आप तो मृत लोक से लेके बैकुंठ सबकी खबर रखते हैं, ये बताइए कि मेरे तीनों के तीनों पति अभी तक लौट के नहीं आए हैं। नारद जी मुस्कुराते हुए कहे, मैया आपने जहां भेजा था वहां खेल रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जरा जोर से राधे राधे। मैया तीनों माता देखा कि तीनों बालक आंगन में खेल रहे हैं, सती सुयद दौड़ दौड़ के पुचकार रही हैं, खिला रही हैं। तीनों देवियों को आना पड़ा मृतलोक में, और तीनों जब आई सती अनुसुईया के पास हाथ जोड़ के विनती करी, माता मेरे पतियों को दे दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। और बहुत निवेदन करने के बाद मैया ने, सती अनुसुईया मैया ने बड़ा सहर्ष ही तीनों बच्चों को फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश को बड़ा किया और तीनों को वापस भेजी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी की शक्ति कितना है इसको हम आंक नहीं सकते हैं। कौन कितना पावरफुल है, किसमें कौन सा भगवान का कृपा उसमें समाया हुआ है आप कह नहीं सकते। इसलिए किसी भी सती संत इसको अजमाइए मत, अजमाएंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मेरे भाई बहन, ईश्वर को हम देख नहीं सकते लेकिन ईश्वर हमारे बीच है। जिस तरह हवा को हम पकड़ नहीं सकते, खुशबू को हम छू को देख नहीं सकते, ईश्वर को भी हम अनुभव कर सकते हैं, अपने भक्ति से महसूस कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर जहां भजन हो रहा हो तो मैं वहां भजन के रूप में होता हूं, जहां कथा हो रही है मैं कथा के रूप में होता हूं, कहीं संत महात्मा कोई प्रवचन दे रहे हैं तो मैं उस प्रवचन के रूप में हूं, मैं हूं। तो आप सोचिए कि शरीर में, ये हमारा जो शरीर है, पांच तत्व से बना ये शरीर, ये शरीर को गर्म का आभास होता है, नरम का आभास होता है, ठंडक का आभास होता है। लेकिन अगर आप सोचिए कभी कि आप भरपेट भोजन कर लिए हो और सोए हैं और कोई कीड़ा आपके पैर में काट ले तो कौन जगाता है आपको? एक ऐसा ईश्वर है जो हर वक्त आपके साथ रहता है, बस हम समझना नहीं चाहते। क्या हम समझना नहीं चाहते? है कोई एक ऐसा जो हमें हर वक्त बताता है, कुछ होनी अनहोनी सबके बारे में वो बताता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, आभास होता है। वो ईश्वर कौन है? वो परम पिता परमेश्वर है जो हमें हर बात को बताता है कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। देखिए, मैं कल भौरे के बारे में बताई, आप एक भौरे को काठ की डिब्बी में, लकड़ी की डिब्बी होती है ना, अगर आप उसमें उसको बंद कर दो तो देखना उसके दांत इतने कड़े होते हैं कि काठ की डिब्बी को काट के भौरा बाहर निकल जाता है। पता है कि नहीं? पता था? काठ की डिब्बी को मैंने तोड़ के बाहर निकल जाता है, इतनी उसमें शक्ति है। लेकिन मैं कल भी कही कि कमल का फूल जब खिलता है सात कोस दूर में तो भौरा को उसकी महक लग जाती है, और भौरा जाकर वो जो मकरंद कहते हैं, जो उसका रस है कमल फूल के ऊपर जो मकरंद है, उसको चूसने के लिए बैठता है और चाहे तो उस फूल को, नाजुक सा फूल को तोड़ के निकल जाए बाहर, लेकिन उसमें मर जाना पसंद करता है, वो निकलना नहीं चाहता।
जबकि शक्ति उसमें है। जब एक लकड़ी की डिब्बी को काट के निकल सकता है तो एक कोमल सा फूल को काटने में कितना देर लगेगा, लेकिन उस मकरंद को जो रस है उसको चूसने के लिए वो आनंदित होता है और इतना वो मदमस्त हो जाता है कि उससे निकलना नहीं चाहता। बस भागवत कथा का रस भी वही है, हम यही चाहते हैं और कि कथा सुनते रहें और जब मौका मिले तो उस कथा रूपी रस को सुन के अपने जीवन में बदलाव लाए। कि कथा जिंदगी को बदल देती है, जीने के तरीका को बदल देती है, अब बड़ा सरल कर देती है, ये कथा का प्रभाव है। और जो सत्संग होते करने वाले सत्संगी होते हैं ये सारे गुण उसमें होता है। आप देखते होंगे कि जगन्नाथपुरी में खिचड़ी जो बनती है वो अगर 50 हंडी चढ़ी है और चूल्हा में अग्नि नीचे लगा है तो सबसे पहले खिचड़ी ऊपर वाला हंडी में पकती है। किनको पता, जरा हाथ उठा के बताएं। चलिए राधे राधे। सबसे ऊपर वाली पकती है, क्यों? आज भी देखिए, एक वो खिचड़ी कब से बनने लगी, एक मालिन थी, वो मालिन एक गीत गाती थी, भगवान का एक पद है, गीत गोविंद नाम का एक किताब है, उसमें एक पद है बड़ा प्यारा, वो गाया करती थी और गाते गाते घर में खिचड़ी बनाया करती थी। और ठाकुर जी जो है ना जगन्नाथपुरी से, वो उस गीत को सुनने के लिए पीछे पीछे भागते थे। और वो क्या की थी, बूढ़ी माता अपने घर में बैगन का खेती कर रखा था, तो भोग बनाने के लिए जब वो बैगन तोड़ती, फूल तोड़ती तो गीत गाती, ठाकुर जी के लिए गुनगुनाती, ठाकुर जी पीछे पीछे चलते। और जब वो खिचड़ी बनाती तो ठाकुर जी बैठ के खाते। एक दिन की बात है कि अब तो सवेरे सवेरे घंटी बज जाएगी मंदिर में, तो ठाकुर जी बालक रूप में वहां खाते थे खिचड़ी जाके। और ये क्या करती थी कि खिचड़ी बनाने के चलते, मैंने बच्चा जल्दी आ जा रहा है, तो नहाती धोती नहीं थी, सुबह बिना नहाए धोए पहले खिचड़ी बनाती। और ठाकुर जी को जो बालक रूप में आते थे कन्हैया, उन्हें वो खिचड़ी खिलाती थी और ठाकुर जी जल्दी खा के अपने मंदिर में चले आते थे। एक दिन जल्दबाजी में ठाकुर जी जाने लगे तो उनका जो पीताम्बर पूरा फट गया जहां तहां से, उनकी धोती पीताम्बरी मंदिर में खड़े हो गए। जाकर जब मंदिर में खड़े हुए तो पुजारी ने कहा, ठाकुर जी रात को तो मैंने शयन आरती की थी, उस वक्त तो आप ठीक थे और अभी आपकी पीताम्बर भी नहीं है और पूरे कपड़े फटे हुए हैं। प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब इनको लगा कि भक्त आज न कल पुजारी पूछेगा ही मुझसे, तो वो कह दिए कि बगल के गांव में एक बूढ़ी माता रहती हैं, इतना वात्सल्य प्रेम से, इतना वात्सल्य से वो मुझे खिचड़ी खिलाती है कि मैं रोज खाने के लिए जाता हूं। कुछ ही दिन के बाद उस गांव में एक संतों का समूह आया और आने के बाद ये जो बूढ़ी माता थी इनके घर में भी आना जाना होने लग गया। जब संत वाणी सुनी तो पता चला उन्हें कि सुबह नहाना है, फिर घर में झाड़ू पोछा करना है, जो नियम है, उसके बाद भोग बनाना है और तब खिलाना है। तो संतों की वाणी को अच्छा मान के
वो बूढ़ी माता गई, आज सारा काम करते करते सवेरा होने लगा, खिचड़ी बनने में देर हो गई। अब ठाकुर जी थोड़ा बहुत खिचड़ी खाएं, मुंह में ही लगे हुए मंदिर में जाके खड़े होंगे, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। पूरे मुंह में खिचड़ी लगी हुई है। आज तो पुजारी कहता है कि बताना होगा प्रभु कहाँ जाते हैं आप, और आज तो आपका जूठन भी लगी, मैंने तो रात में पहुंच के आपको सुलाया था। कन्हैया बोले ठाकुर जगन्नाथपुरी की जो जगन्नाथ जी भगवान कहे मैं जाता हूं, मुझे सारी बातें को बताए उन्होंने। उस पुजारी को विश्वास नहीं हुआ। पीछे पीछे जब सुबह हुआ, अभी बिचारी लेट करती, अब प्रभु सोचे कि लेट है तो अब हम रात में ही उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, और उनके गोद में वो बड़ा लाड प्यार करवाते। एक दिन जा रहे थे, सभी संत लोग देख लिए कि ठाकुर जी बालक रूप में आते हैं उनके घर में और प्रसाद खा के जाते हैं, ये तो बड़ी चकित बात है। हम लोग इतना सेवा करते हैं, नियम का पालन करते हैं, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप भगवान की सेवा करने के लिए नियम का बंधन मत रखें। हम लोग सत्कर्म बहुत कम करते हैं, नियम इतना करते हैं कि उतना निभा नहीं सकते। कहने का मतलब ये नहीं कि आप नियम ना करें, भगवान भाव के भूखे हैं। कहते हैं ना कि हम सो निमित मात्र हैं, कराने वाले कोई और हैं। तब से वो बूढ़ी माता वहीं पे खिचड़ी बनाने लग गई, और तब से ही खिचड़ी आज भी उनको ठाकुर जी को भोग लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हम भगवान के चरणों में उसी प्रकार रखे जैसे भगवान की नजर पड़ जाए। भगवान तो ठाकुर जी तो करुणा निधि निधान है, उनके शरण में जो भी आया उसका बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन कराने वाले कोई और है। उनको बुलाइए, कहां गए? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि हम करते हैं, लेकिन आप बार बार मैं कहूंगी कि हम करते नहीं, कराने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, आपको निमित मात्र बनाए हैं कि आप करने वाले हो। चुन लेते हैं कि आप ये शुरू करो, बाकी लोग की व्यवस्था मैं कर दूंगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जहाँ सब काम हो रहा है।
की कृपा से सब काम हो रहा है। Thank you.
तुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, जब बना सुदामा। तेरे कर्म से अब ये, तेरे कर्म से अब ये सरेआम हो रहा है। तेरे कर्म से अब ये सरेआम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो आपकी कृपा से जीवन की उलझनों में मैंने पुकारा राधा। जीवन की उलझनों में मैंने पुकारा राधा। तुम शक्ति बन के आए, टूट गई वो बाधा। तुम शक्ति बन के आए, राधे शरण से जीवन, राधे शरण से जीवन आसान हो रहा। राधे शरण से जीवन आसान हो रहा है। राधे शरण से जीवन आसान हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली राधे रानी की जय। जय जय प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनका काम कभी रुकता नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग पाई विसत संगा, बन ही प्रयास होई भव भंगा। ये मनुष्य तन बड़ी सौभाग्य से मिला है, इसको ऐसे न गवाएं। इस मनुष्य तन में हम वो करें जो एक मनुष्य को करना चाहिए, एक जीव को करना चाहिए। आगे हम अवतारों की कथा की ओर जाएंगे। एक बार प्रभु को इच्छा हुई कि पूरी सृष्टि का एक निर्माण किया जाए, लेकिन मेरे भाई बहन पूरी सृष्टि जो है ये पूरी पानियों से भरा सृष्टि, क्योंकि रसातल में गई हुई है पृथ्वी। भगवान वहां शुक्र का अवतार लेकर दोनों जो सुअर के जो
दांत होते हैं उस पे पृथ्वी को रखकर समुद्र के ऊपर से लाके नीचे रखे, तब ये पृथ्वी आई। और उनके मन में ऐसा हुआ कि पृथ्वी आई है तो पृथ्वी का कुछ सुंदर रूप बनाया जाए। सबसे पहले भगवान समुद्र में शयन करते हुए घोर निद्रा में है, उस वक्त नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल प्रकट हुआ उसमें ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी के ही पसीने से एक पुरुष हुआ जो नारायण कहलाया, और उसी से उनके ही पसीने से कि जितनी जो सृष्टि में आप देख रहे हैं, वन उपवन, लताएं पताएं, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं सब उनसे हुआ। अगर पृथ्वी बन गई है तो फिर इसका शुरुआत कैसे की जाए, कैसे होगा? तो भगवान ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ब्राह्मणों को पृथ्वी में भेजा कि आप जाकर सृष्टि की रचना करो। अब ये चारों जो आए ना, ये लोग अखंड ब्रह्मचारी निकले, तपस्या करी और बोले कि हम लोग तपस्या ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सृष्टि का विस्तार कैसे हो, कैसे हो? भगवान सोचने लगे और